मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जल्दी ही क्रिसमस मनाएंगे। दिसंबर के 25 तारीख को हम प्रभु का जन्मोत्सव यानी क्रिसमस मनाते हैं। और प्रभु के जन्म के तारीख के बारे में हमें सुसमाचार में कोई जानकारी नहीं मिलती है। सुसमाचार हमें इतना ही बताता है कि प्रभु का जन्म एक बहुत ही ठंडी रात को हुआ था। लेकिन कलीसिया ने 25 तारीख को क्यों निर्धारित किया? उन दिनों रोम के लोग अपने प्रमुख देवता सूर्य देवता का जन्मोत्सव 25 दिसंबर को मनाते थे। और विश्वासियों ने कहा, धर्म के सूर्य यीशु का जन्मोत्सव भी उस दिन मनाया जाना चाहिए, ईश्वर के पुत्र यीशु का जन्मोत्सव भी उसी दिन मनाया जाना चाहिए, संसार की ज्योति यीशु का जन्मोत्सव भी उसी दिन मनाया जाना चाहिए। इसलिए कलीसिया ने 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्मोत्सव का पर्व मनाने को निर्णय लिया। आज करीब करीब सारे ईसाई लोग 25 दिसंबर को ही प्रभु का जन्मोत्सव मनाते हैं। प्रभु के जन्मोत्सव से पहले करीब 25 दिन तक कलीसिया आगमन काल मनाती है। ये आगमन काल क्या के लिए है? प्रभु के जन्म के उस उत्सव के लिए तैयारी करने के लिए, छोटे मोटे त्याग तपस्या के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के वचन के पाठ के द्वारा, परोपकार के द्वारा, मेल मिलाप के द्वारा, अपने आप को प्रभु के उस महान पर्व के लिए तैयार करने के लिए कलीसिया ने इसलिए निर्धारित किया है, ताकि हम विश्वासियों के लिए 25 दिसंबर मात्र प्रभु का जन्मोत्सव बनकर ना रह जाए या बीते, बल्कि वह हमारे लिए एक आध्यात्मिक अनुभूति, आध्यात्मिक अनुभव का समय बने। इसलिए हम आगमन काल की तैयारी करते हैं। जब से मनुष्य ने पाप किया, उस समय से पवित्र बाइबल हमें बताती है, ईश्वर ने मनुष्य को एक मसीहा का वायदा दिया। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 से ही शुरू होता है कि ईश्वर ने एक मसीहा देने के लिए वायदा किया, और हमारे पुरखों के द्वारा उस वायदे को दोहराया, नबियों के द्वारा उसको घोषित किया, और अंतिम नबी जिसने यीशु के आगमन के लिए यहूदी समुदाय को तैयार किया वो नबी हैं योहन बपतिस्ता। योहन बपतिस्ता के बारे में हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि योहन बपतिस्ता प्रभु यीशु के ही कुटुंब के थे और मात्र 6 महीने प्रभु यीशु से बड़े थे। लेकिन उनका जीवन और यीशु के जीवन में बहुत अंतर था। योहन बपतिस्ता एक तपस्वी व्यक्ति थे, जंगलों में रहते थे, टिड्डियां खाते थे, मधु खाते थे, और कठोर शब्दों में इसराइलियों को आह्वान किया पश्चाताप के लिए, कठोर शब्दों में इसराइलियों को आह्वान किया पश्चाताप के लिए। और इस प्रकार प्रभु यीशु को और उनके सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए योहन बपतिस्ता ने लोगों को तैयार किया। योहन बपतिस्ता की उन घोषणाओं में से एक घोषणा पर हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे। लूकास का सुसमाचार उसके अध्याय 3:4-7 तक। वास्तव में यह इसायास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 से लिया गया है। वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज। योहन बपतिस्ता ने अपने आप को निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज कही है। अपने को बहुत तुच्छ समझते थे वो, मात्र पुकारने वाले की आवाज। आगे हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी, टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे, और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। सबसे पहले वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो। अगर तुम चाहते कि प्रभु तुम्हारे जीवन में आए, तो प्रभु का मार्ग तैयार करो। मनुष्य स्वतंत्र है, ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है, हमें स्वतंत्र बनाया है। हम प्रभु का स्वागत भी कर सकते हैं, तिरस्कार भी कर सकते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3:20 आप बार बार सुनते हैं, क्या लिखा हुआ है? वहां प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। प्रभु ईश्वर हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता है,
प्रभु ईश्वर जबरदस्ती हमारे जीवन में नहीं आता है। अगर हम उनका स्वागत करेंगे तो आएंगे। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु को आने के लिए मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। जब कोई भी बहुत बड़े व्यक्ति आपके यहाँ आने वाले हैं तो आप अपने रास्ते साफ करते, अच्छे करते हैं। आगे लूकास के समाचार अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि यौहन बपतिस्मा ने 4 बात कही है वचन से उठाते हुए, उस पर हम मनन करेंगे। पहली बात, हर एक घाटी भर दी जाएगी। हर एक घाटी को भर दो। एक घाटी क्या है? पाप के द्वारा मनुष्य के हृदय में आने वाला खोखलापन। वचन में लिखा हुआ है प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 4 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है। जिस व्यक्ति के अंदर पाप है, पाप में आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उसके अंदर एक प्रकार की शून्यता है, खोखलापन है, गड्ढा है। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, स्तोत्र 38 उसके वाक्य 4 से, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं, मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है, भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूं, मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीव पड़ गई और उनसे दुर्गंध आती है, मैं झुक गया हूं, अत्यंत दुर्बल हूं और दिन भर उदास चलता फिरता हूं। पाप कितना खतरनाक है। पाप मनुष्य को खोखला बना देता है, मनुष्य को शून्य बना देता है, मनुष्य के अंदर एक गड्ढा पैदा करता है, मनुष्य को झुका देता है। पाप के कारण मनुष्य झुक जाता है। पाप के कारण हमारे अंदर एक घाटी उत्पन्न होती है, हमारे व्यक्तित्व में घाटी उत्पन्न होती है, खाई उत्पन्न होती है। जो पाप में जीवन जीता है, पाप में आदतों में जीता है, वो व्यक्ति खुलकर लोगों को देख नहीं पाता है, वो झुकता है, वो छिपता है। वचन में लिखा है कि हर घाटी भर दी जाए। आदम और एवा ने पाप किया, उन्होंने अनुभव किया कि वे नंगे हैं, छिपने लगे, अदन बगान से बाहर किए गए। पाप हमें खोखला बना देता है, शून्य बना देता, झुका देता है। वचन कहता है घाटी को भर दो। ये आगमन काल है अपने पापों और पापमय आदतों को पहचानने का और प्रभु की कृपा ढूंढने का, मांगने का कि प्रभु मुझसे, मुझे इससे छुटकारा दीजिए, मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं एक निष्पाप जीवन जीना चाहता हूं, मैं इन पापमय आदतों को छोड़ना चाहता हूं, शराब पीना, नशा, खाना पीना, गंदी फिल्में देखना, अश्लील चीजें देखना, गंदी बातें बोलना, पापमय कार्य करना, चोरी करना, चुगली करना, झूठ बोलना, इन सारी बातों से हमें स्वतंत्र होने का समय है। प्रभु के आगमन के लिए हमें मार्ग तैयार करना ही होगा, क्योंकि हमारे पर निर्भर है, हम स्वतंत्र हैं। हम मार्ग तैयार करके प्रभु का स्वागत कर सकते हैं या बिना मार्ग तैयार किए प्रभु का तिरस्कार भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हर घाटी भर देना, पाप में बातों को दूर से हटाना। उसके लिए हमें विशेष प्रार्थना करने की जरूरत है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा है, हर एक पहाड़ पहाड़ी समतल किया जाए। हर एक पहाड़ पहाड़ी समतल किया जाए। ये पहाड़ क्या है? ये पहाड़ी क्या है जो हमारे और ईश्वर के बीच में है? सबसे पहले हमारा अहंकार, मैं। हमारा अहंकार ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर के हमारे जीवन में आने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। अहंकार झुकने को तैयार नहीं, क्षमा करने को तैयार नहीं, देने को तैयार नहीं, माफ करने को तैयार नहीं। अपने को बहुत बड़ा समझना, पवित्र समझना, जानकार समझना, हमारा ही अहंकार ईश्वर और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी बाधा बनता है। हमारा स्वार्थ,
अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, बहुत पाना चाहते हैं, बहुत पाना चाहते हैं। वचन में लिखा हुआ लूकास अध्याय 9 वाक्य 25 में, मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत ले और अपने ही आत्मा गंवा दे। लूकास अध्याय 12 वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, उससे उसके प्राणों की रक्षा नहीं होती है। बहुत पाना चाहते हैं स्वार्थ, और इसके साथ साथ हमारी संपत्ति, हमारी चीजें, इतनी सारी संपत्ति है, संपत्ति से हमारा हम मोहित हैं, आसक्त हैं, उसको हम छोड़ने को तैयार नहीं है। लूकास अध्याय 18 के उस धनी इंसान के बारे में सोचिए जो यीशु से मिलकर पूछते हैं, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु ने कहा अंत में कहा अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो। वो तैयार नहीं था, वो वापस उदास होकर चला जाता है। संपत्ति के प्रति मोह, ये हमारे और प्रभु के बीच में एक बहुत बड़ी बाधा बनती है। हम प्रभु से मिल नहीं पाते, प्रभु का हम स्वागत नहीं कर पाते। हमारे अंदर लोगों के प्रति मोह है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरे ये, इतना मोह लगाव, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसके कारण हम यीशु को अपने जीवन में स्वागत नहीं कर पाते हैं। वचन में लिखा हुआ है लूकास अध्याय 19 में जकेउस के बारे में, कि जकेउस के बारे में लिखा हुआ, प्रमुख नाकेदार थे, बहुत धनी थे और समाज के सामने एक बहुत बड़ा पापी थे। साथ ही साथ लिखा हुआ है वो नाटे थे, इसलिए यीशु को देख नहीं पाए, क्योंकि उसके और लोगों यीशु के बीच में एक बहुत बड़ी भीड़ थी। यह बहुत सुंदर प्रतीक है, जकेउस नाटे थे, उसके और यीशु के बीच में एक बहुत बड़ी बाधा थी, उसकी संपत्ति उसके लिए सबसे बड़ी बाधा थी। इसीलिए यीशु से मिलने के बाद उसने क्या किया, क्या कहा, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे देता हूं। तो ये पहाड़ और पहाड़ी को समतल करना जरूरी है, पहाड़ और पहाड़ी को समतल करना जरूरी है। जब प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है, तो जकेउस ने क्या किया, उस पहाड़ पहाड़ी को समतल किया। अपनी कमाई, पाप की कमाई, आधी कमाई गरीबों को दे दिया, समतल किया। समतल करना जरूरी है, तभी प्रभु हमारे जीवन में आएंगे। मैंने कहीं देखा है कि बहुत सारे मसीही लोग प्रार्थना में बोलते हैं, प्रभु मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए। बहुत कैथोलिक लोग भी परम प्रसाद लेते हैं, मेरे दिल में आइए बोलते हैं, लेकिन दिल में जगह है ये नहीं, प्रभु को निवास करने के लिए जगह नहीं है। आप किसी मेहमान को अपने घर पे बुलाएंगे, उनकी बैठने के लिए जगह नहीं है, सर्वत्र चीजें पड़ी हुई है, तो क्या होगा। हमें पहाड़ पहाड़ी को समतल करना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आगे लिखा हुआ है, टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे कर दो, टेढ़े मेरे रास्ते सीधे कर दो। ये टेढ़े मेरे रास्ते का मतलब क्या है, जीवन की का टेढ़ापन, जीवन का टेढ़ापन। जब हम जन्म लेते हैं हम कितने अच्छे होते हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे अंदर टेढ़ापन आ जाता है। बड़े मजे की बात है, प्रभु यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज बच्चों जैसों का है। ये बच्चों की खूबी क्या है, एक छोटा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए बच्चा कोई चीज चोरी करता है, बच्चे भी चोरी करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, और चोरी करता है, उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां दिखाई देता है, बच्चा कुछ छिपा नहीं पाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम हमारे अंदर छिपाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। जितने हम अपने आप को सभ्य समझते हैं, पढ़े लिखे समझते हैं, उतना ज्यादा हम छिपाने में सक्षम और समर्थ होते जाते हैं, कुशल होते जाते हैं, हम टेढ़े हो जाते हैं। हिंदी में वो कहावत है ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, पता नहीं किसी ने कह दिया और हम लोग उसको दोहराते हैं, उसका पालन भी करते हैं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, इसीलिए लोग टेढ़ा कर देते हैं। क्या करें साहब, ऐसा ही है, दुनिया ऐसी है, इसीलिए टेढ़ा कर देते हैं। क्या जरूरत है भाई, तुम्हारा प्रभु तुम्हें मक्खन दे देगा, तुम्हें घी की क्या जरूरत है। तो हम भी इसी तरह करते हैं, हम लोग टेढ़े हो जाते हैं,
अपने व्यवहार में टेढ़े हो जाते हैं, अपनी बातचीत में टेढ़े हो जाते हैं। हमारी भाषा को सुनिए, कैसी कैसी भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं। बोलते कुछ और, दिल में कुछ और है, हम टेढ़े हो जाते हैं बोली में, हमारे व्यवहार में हम लोग टेढ़े हो जाते हैं, हमारे कार्यों में हम टेढ़े हो जाते हैं, काम करने लगते हैं धीरे धीरे टेढ़े होते हैं, बिल बनाते हैं, दुकान जाते हैं, ज़्यादा लिखाते हैं, घूस लेते हैं, अलग अलग तरह से हम टेढ़े होते जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है टेढ़े मेरे रास्ते सीधे कर दो। यीशु को अपने जीवन में स्वागत करना है तो हमें टेढ़े मेरे रास्तों को सीधा करना है, हमारे टेढ़ेपन को बंद करना है। फिर जकेउस को उदाहरण लीजिए, जकेउस ने प्रभु से वायदा किया, प्रभु से के सामने प्रतिज्ञा की, जिन लोगों को मैंने ठगा है मैं उनको चौगुना वापस लौटाऊंगा। एक बहुत बड़ी घोषणा है। क्या मतलब इसका? मतलब यह है कि मैं अपने ठगने की प्रवृत्ति को बंद करता हूं। यीशु के आगमन के बाद जकेउस कहता है कि मैं अपने ठगने की प्रवृत्ति को बंद कर देता हूं, दूसरों को धोखा देने का काम बंद कर देता हूं। मैं ऐसे कई विश्वासियों और मसीहों से मिला हूं जो यीशु के वचन को सुनने के बाद, यीशु के पास आने के बाद पूरी तरह से सीधे हो गए हैं। जो टेढ़े मेढ़े काम करते थे वे सीधे हो गए हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं बहुत सारे ऐसे विश्वासी और मसीह हैं जो अभी भी यीशु पर विश्वास करने के बावजूद बहुत टेढ़े हैं, बहुत टेढ़े हैं। टेढ़ी मेरी बातें हर मामले में टेढ़े। प्रभु का वचन कहता है अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आए, मसीह हमारे जीवन में जन्म ले, हमें टेढ़े मेरे रास्तों को सीधा करना ही होगा। कई लोगों के मन में विचार है, उनका विचार यह है कि स्वामी जी आप तो आध्यात्मिक हैं, दुनिया में रहते समय हमें टेढ़े होना ही पड़ता है। ये सरासर गलत है। सुसमाचार सबके लिए लिखा गया है, सुसमाचार किसी साधु संत के लिए नहीं लिखा गया है, आम आदमी के लिए लिखा गया है, पारिवारिक जीवन जीने वालों के लिए लिखा गया है। ये मत बोलना कि दुनिया में रहते समय हम टेढ़ा होना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। हम में और दुनिया में यही फर्क है। याकूब अध्याय 4:4 में याकूब क्या कहते हैं कि जो दुनिया से प्यार करना चाहता वो ईश्वर के दुश्मन हो जाते हैं। हमें सीधे ही होना है किसी भी कीमत पर। आप सीधे रहेंगे, प्रभु आपके साथ रहेंगे, हमें टेढ़ा मेरा रास्ता सीधा करना है। हमें बाइबल में पहला राजा अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है, नबी एलिशा के पास आराम का सेनाध्यक्ष नामान आता है। नामान कोढ़ी था। एलिशा के कहने के अनुसार अंत में नामान यर्दन नदी में 7 डुबकी लगाता है और वो पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है। फिर नामान एलिशा के सामने आ जाता है और जो उपहार लेके आया था, सोना चांदी और अच्छे अच्छे कीमती वस्त्र, एलिशा को देना चाहता है। लेकिन एलिशा ने कहा मेरे ईश्वर की शपथ मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। एलिशा के नौकर गैजी ने इसको देखा, उसने देखा कि गुरु जी के पास इतने उपहार आए लेकिन गुरु जी ने तिरस्कार किया और नामान वहां से चल दिया। गहजी एलिशा के नौकर धीरे से पीछे के दरवाजे से चला जाता है और नामान से कहता है आगे जाकर कि जरा ध्यान दीजिए, मेरे गुरु के कुछ शिष्य आए हैं, उनको कुछ उपहार की जरूरत है। नामान ने कहा जरूर ले जाएं, उसको ले आकर पीछे रखा। उसके बाद गहजी एलिशा के सामने आया। एलिशा ने पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो? गहजी झूठ बोलता है। एलिशा ने कहा कि वही रोग तुम्हें मिल जाएगा। और उस समय से गैजी कोढ़ी हो गया। टेढ़ापन से यही हमें मिलता है। उसी तरह दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में आप पढ़ेंगे उन दो न्यायाधीशों के बारे में जो उस निर्दोष नारी, भक्त नारी सुजन्ना को मरवा डालना चाहते थे। क्या हुआ अंत में? वे ही स्वयं मार डाले गए। टेढ़ापन का यही फल होता है। वचन में लिखा हुआ है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे कर दो। हमें टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है उबड़ खाबड़ रास्ते समतल किए जाए।
ऊबड़ खाबड़ रास्ते समतल किया जाए। ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता क्या है? ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता क्या है? ये टूटा फूटा रिश्ता, लोगों के साथ हमारा टूटा फूटा रिश्ता। ऐसी परिस्थिति में प्रभु हमारे जीवन में नहीं आ सकते। यौहन का पहला पत्र अध्याय 4:8 में लिखा हुआ है, ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता है। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता है। बाइबल में जानने का मतलब है अनुभव करना। यौहन कहते हैं ईश्वर का अनुभव करना है तो तुम्हें प्रेम करना ही होगा। ईश्वर को अनुभव करना है तो तुमको प्रेम करना ही होगा, मेल मिलाप करना ही होगा। यौहन का पहला पत्र अध्याय 4:20 में यौहन क्या कहते हैं? यौहन कहते हैं अगर कोई कहता है तुम कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई या बहन से बैर करता है तो वो झूठा है, क्योंकि अगर वो अपने भाई बहन को जिसको वो देखता है प्यार नहीं कर सकता है तो ईश्वर को जिसको नहीं देखता वो प्यार नहीं कर सकता है। हम तब तक ईश्वर के सानिध्य के योग्य नहीं होंगे जब तक हमारे हृदय में मेल मिलाप ना हो, जब तक हमारा रिश्ता दूसरों के साथ टूटा फूटा पड़ा है तब तक प्रभु हमारे जीवन में आ नहीं सकते, कार्य नहीं कर सकते। मैंने स्वयं ही अनुभव किया है कई बड़ी बड़ी सभाओं में या साधनाओं में जब लोग दूसरों को क्षमा करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, उनके जीवन में बहुत कृपाएं बरसती हैं, विशेष करके बड़े बड़े रोगों से चंगाई मिलती है, बड़े बड़े रोगों से। तो जब तक हमारा रिश्ता दूसरों के साथ अच्छा नहीं होता है तब तक प्रभु हमारे जीवन में आ नहीं सकते, कार्य नहीं कर सकते। पति पत्नी के बीच का रिश्ता टूटा पड़ा है, अभी सही कीजिए, एक दूसरे को क्षमा कीजिए, एक दूसरे से क्षमा याचना कीजिए, बोलिए आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, एक दूसरे से माफी मांगिए। जब आप अपने आप को छोटा बनाएंगे प्रभु आपको ऊपर उठाएंगे। वचन में लिखा हुआ है लूकस अध्याय 18:14 में, जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। छोटा बनिए, दूसरों से माफी मांगिए, पति पत्नी से, पत्नी पति से, बच्चे माँ बाप से, भाई बहन से, बहन भाई से, पड़ोसी पड़ोसी से, रिश्तेदार रिश्तेदारों से, आपस का तालमेल सही कीजिए, आपस का रिश्ता मीठा बनाइए। जब तक ये नहीं होगा तब तक प्रभु आपके जीवन में नहीं आ सकते, आप एक अच्छा क्रिसमस नहीं मना पाएंगे। यही कारण है क्रिसमस से पहले पहले, आजकल तो बहुत कम होता है, क्रिसमस कार्ड भेजा जाता था। क्रिसमस कार्ड के द्वारा हम अपने प्रेम को बांटते थे और दूसरों के प्रति मेल मिलाप का चिन्ह भेजते थे कि मैं आपको याद करता हूं, ये क्रिसमस आपके लिए अच्छा हो, आने वाला वर्ष आपके लिए अच्छा हो, मैं आपको याद करता हूं, हमारा रिश्ता ताजा बने, नया बने। ये कारण था कि क्रिसमस कार्ड भेजे जाते थे, लेकिन आजकल तो संबंध हो गया। क्रिसमस से पहले प्रभु के आगमन के लिए हमें अपने हृदयों को तैयार करना है, एक दूसरे के प्रति जो टूटा पड़ा है रिश्ता उसको सही करना है, तभी प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ सकते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये आगमन काल हमारे लिए प्रभु के उस महान जन्म पर्व को मनाने के लिए तैयार करने का समय है। हमें सोच समझ कर भली इच्छा के साथ प्रभु के जन्मोत्सव के लिए अपने आप को तैयार करना। जरा देखिए, सुनिए, याद कीजिए, जब प्रभु का जन्म हुआ था स्वर्गदूत ने ये घोषणा की, क्या स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले, सबको नहीं, उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हमें प्रभु के कृपा पात्र बनना है ताकि उस बड़े दिन, उस क्रिसमस के दिन हमें प्रभु की शांति मिले, हमारे परिवारों को प्रभु की शांति मिले। इन चार बातों का ख्याल करना। सबसे पहले वचन में लिखा हुआ है कि घाटियां भर दी जाएं। ये समय है घाटियां भरने का, पापमय आदतों को छोड़ने का, पापमय रिश्तों को छोड़ने का, पापमय बातों को छोड़ने का और अपने जीवन को सही करने का, भरने का। दूसरा है पहाड़ पहाड़ी को समतल करने का, हमारे अहंकार को तोड़ने का, नम्र बनने का, हमारे मोह को तोड़ने का, प्रभु के लिए ललायित होने का। और तीसरा है टेढ़े मेढ़े रास्ते को सही करने का, हमारे गलत सलत
कार्यों को सही करने का, टेढ़ापन को दूर करने का, ईमानदारी लाने का, सत्य लाने का समय है। चौथा है ऊबड़ खाबड़ रास्ते, हमारा दूसरों के साथ जो रिश्ता टूटा पड़ा है उसको सही करने का। ये आगमन काल हमारे लिए कृपा का समय हो, ताकि हम लोग इस समय प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। सचमुच 24 रात को और 25 तारीख को जब हम लोग क्रिसमस मनाएंगे, वो दिन हमारे लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। उस दिन हमारे और हमारे परिवार पर कृपा बरसे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। तूने कहा है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, लेकिन तूने ये भी कहा है मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ है। प्रभु यीशु, तू हमारे हृदय के द्वार पर खड़ा है, शायद वर्षों से खड़ा है, महीनों से खड़ा है, ताकि हम तेरी आवाज को सुने, तेरे खटखटाने की आवाज को सुने, तेरे मृदुल आवाज को सुने और तेरे लिए द्वार खोल दें, ताकि तू हमारे जीवन में आए, परिवार के जीवन में आ जाए। प्रभु यीशु, इन दिनों तेरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने परिवार को तैयार करने के लिए हमें कृपा दीजिए। आने वाला क्रिसमस तेरा जन्मोत्सव हमारे लिए वास्तव में एक अनुग्रह का उत्सव बने, कृपाओं का उत्सव बने। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना।